सो आई एम रीच डेट साई कला पैटनी पैटनी। यहाँ पे पैटर्न्स की साड़ियाँ मिलती है, वो साड़ियाँ जो हाथों से बनती है। सो लेट्स गो साई कला पैटनी। तो गाइज ये जो है यहाँ पे 2000 साल मतलब 2000 साल से इनका जो है वो काम चलता आ रहा है। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द पैटनी साड़ी। एंड यहाँ पे इनका शॉप है। सो गाइज अभी मैं हूँ कारखाने में जहाँ पे साड़ियाँ हाथों से बनती है। सो ये कैसे बनती है एंड इसका पूरा प्रोसेस क्या है वो हमारे जो सर है वो बताने वाले हैं। सो मैं उनको क्वेश्चन पूछने वाला एक एक करके वो बताएंगे। तो ये धागे है राइट, ये नया लूम सर। अच्छा लूम है, इसको अभी तक स्टार्ट नहीं किया। स्टार्ट नहीं किया। अच्छा है, ये पूरा धागा आता है। अच्छा ये इसके अंदर से ऑलरेडी ये प्योर क्या आता है सफेद वाला धागा। हाँ हम इसमें रेशम लेते हैं। अच्छा ये 4000 धागा से टोटल। अच्छा टोटल ये 4000 छोटा और धागा आता है। अच्छा ये 47 और 48 के इंच के आसपास पूरा लेंथ होता है साड़ी का। लेंथ होता है। हाँ, अच्छा साड़ी पना हो जाएगा। अभी ये स्टार्ट नहीं किया, इसके बाद क्या करेंगे हम रेशम डाइंग करके ये जो धागा लेके आते हैं फना के साथ में। हाँ इसको हम अटैच करते हैं, एक एक धागा अटैच किया देखो। अच्छा धागा एक एक अटैच होता है मतलब। हाँ, इसको खींचने से अटैच होता है। हाँ, इसको ऐसे घुमा देते हैं ऐसे। हाँ ये अटैच हो जाएगा। हाँ उसके बाद उसमें जैसे इसको टाइट करना है। हाँ उसके साथ इसको वेट डाला जाएगा। वेट डाले जाते ही वहाँ पैसा बिल्कुल रेडी हो जाएगा ऐसा। अच्छा टाइट हो जाएगा। टाइट हो जाएगा। टाइट करने के बाद में। हाँ टाइट करने के बाद में जैसे अभी हमने इसमें टिश्यू डालना है। हाँ, सिल्क बाय सिल्क बनाना है। हाँ ये ऐसा स्केच लगा रहेगा। अच्छा ये पूरा स्केच रहता है, डिजाइन टाइप पूरा बन के आएगा है ना। हाँ, ये ऑल ओवर जाल ब्रैकेट है, सिल्क बाय टिश्यू में है। अच्छा अभी ये सब ऑफ व्हाइट बाय गोल्ड टिश्यू है। अच्छा इसमें फिर स्केच जैसे आपको डिजाइन बनाना है आपका डिजाइन बना सकता। अच्छा। है आप खुद बना सकता है। तो अपना मन का भी बना के मिलेगा जो आपको डिजाइन चाहिए वो भी आप जो मर्जी बना सकते हैं। अच्छा उसके बाद में ये स्केच के ऊपर हम कलर डाल देंगे। अच्छा एक जैसे सपोज है कलर डाला है। हाँ कलर डाल देंगे। अच्छा तो ये जो व्यू करने वाला है सीते ही क्या ये? नहीं हाथ से बनेगा, ये व्यू करने वाला है। अच्छा वो क्या करेगा जो कलर डाला है ना वही कलर डालेगा। अच्छा वो क्या है कि उसके जैसे कलर कॉम्बिनेशन में वो बिल्कुल उठ के आएगा। हाँ उठ के आएगा। और ये डबल लॉक सिस्टम है। अच्छा ये साड़ी उल्टा बन रहा है सर अभी जो आप देख रहे हैं। अच्छा उल्टा बन रहा है सीधे। हाँ। में वो पूरा कलर मस्त बन जाएगा होने के बाद में जब। हाँ। ये कट होगा। हाँ। तभी ये साड़ी सीधा होगा। अच्छा साड़ी बनते समय ये उल्टा ही बनेगा। अच्छा ये अभी जैसे जमाना बदल रहा है, पैथनी के अंदर भी मॉडिफिकेशन हो रहा है। पहले पिकॉक्स वगैरह ऐसा आता था, बाद में फिर अभी हर्ज को जाता है हमको पिकॉक होना है नहीं होना, कैरेट नहीं होना, उसके हिसाब से अभी फ्लावर चल रहा है। अभी पूरा फॉरेस्ट चल रहा है, जैसे कस्टमर का रिक्वायरमेंट बढ़ता है उसी हिसाब से चलता है। देखो अभी जहाँ से अभी ये जो जहाँ से व्यू होके चले गए। हाँ देखो अभी कैसा बन रहा है। अच्छा अरे बाप रे ऐसा पूरा ऐसा बन जाएगा। तो गाइस देख सकते हो। और इसको प्रॉपरली नाम क्या दिया गया है? पैटनी साड़ी ना। पैटनी साड़ी। अच्छा तो ये पैटनी साड़ी है और ये जो है ऐसे बन के निकलती है गाइस। तो जैसे हमने देखा वर्कशॉप में कि ये नॉर्मल रेंज का साड़ी है। अच्छा तो स्टार्टिंग है हमारा, रेट बढ़ता जाता है, डिजाइन चेंज होता जाता है। देखिए उसमें अलग था, इसमें पूरा टिश्यू में आएगा, इसमें आएगा शोल्डर पे भी पिकॉक्स आता है ऐसा। देखो ऐसा शोल्डर में पिकॉक्स आया, मोटा बड़ा हो गया। जो आप पहले में देखा वो डिफरेंट था, ये डिफरेंट। हाँ ये डिफरेंट है। पल्लू फैंसी हो गया, पूरा विविंग पल्लू हो गया, जैसे हम उधर कार्यक्रम में देखा ना। हाँ 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 पूरा विविंग पल्लू हो गया, मोटा बड़ा बड़ा हो गया। ये राधा कृष्ण पल्लू जैकेट में चला गया। अच्छा इसको क्या बोलते हैं? मोर सिंगल पल्लू, सिंगल मुनिया में आएगा। अच्छा फैंसी पल्लू चेक्स के अंदर। अच्छा इसका बॉर्डर बड़ा हो गया। एक की जगह तीन गुने आ गया। तीन गुने आ गया बराबर। ये पिकॉक्स वगैरह ऐसा फैंसी पल्लू आ गया, ये प्योर हैंडलूम में आएगा। बॉर्डर का नंबर आता रहा वैसे आएगा। तो ये पीकॉक बॉर्डर पैड बॉर्डर है।
बिल्कुल ऐसा आकृति वर्क आएगा, ये बैक साइड पल्लू का पूरा फैंसी फैंसी बॉर्डर आएगा सर। ये पूरा ऑल ओवर में आएगा, सिल्वर सिल्क आएगा सर। बॉर्डर देखो वर्क देखो बहुत मस्त है ये भी। ये इसका क्या नाम है साड़ी का? ये ऑल ओवर टिश्यू में आएगा सर। अच्छा, ये पूरा आप अभी जो फैक्ट्री में देखे ना, हाँ ये उन्हीं टाइप का साड़ी ऑल ओवर टिश्यू में। अच्छा, पल्लू आएगा ऐसा पूरा ऑल ओवर बॉडी वर्क आएगा पूरा। मस्त है। तो गाइज, अगर किसी को पैटर्नी साड़ी का शौक है और वो शिरडी जा रहा है, तो शिरडी के रोड पे ये शॉप पड़ता है, नाम है साईकला पैटर्नी। तो आप यहाँ पे आ सकते हो एंड साड़ियाँ देख सकते हो। जो मैंने वीडियो में साड़ियाँ बताई है वो सारी मिल जाएगी यहाँ पे विथ डिस्काउंट। सो आइए गाइज, यहाँ पे शॉपिंग कीजिए। एंड अभी जो है हम जा रहे हैं औरंगाबाद, जर्नी कंटिन्यू है, सो लेट्स गो।